बीजेपी पीडीपी सदर महबा मुफ्ती के खिलाफ वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को तौहीन आमेज नामों से पुकारने पर हद की इज्जत का मुकदमा दायर करेगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि दफा 370 को ये सिर्फ बीजेपी ने नहीं हटाया बल्कि 370 से ज्यादा एमपीज के वोटों से ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती दफा 370 की बहाली के लिए लड़ने का दावा करती है जबकि उनकी पार्टी के पास एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो बीजेपी है वो गुंडों और बदमाशों की जमात है क्योंकि उनका कहना है कि जब 370 हटाया गया था यहाँ पे उसके बाद जैसे गुंडे किसी घर में घुस के मारपीट करके वहाँ पे लोगों को खामोश कर देते हैं उसी तरह से यहाँ किया गया है और अब कोर्ट में बताया जाता है एफिडेविट पेश किया जाता है कि यहाँ पे सब नॉर्मल है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए जहाँ तक 370 की बात है 370 जब 2019 को 370 और 35 एक खत्म हो गया है तो कहीं पे एक प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ और कहीं एहतजाज भी नहीं हुआ और एक आदमी भी आपने सड़क पे नहीं देखा। उसका मतलब है कि जो कश्मीरी लोग हैं कश्मीरी और जम्मू कश्मीर के लोग 370 को नहीं चाहते थे। वो समझते थे कि 370 से हमें कौन से नुकसान हुआ और हमने पिछले 70 साल में क्या खोया है और क्या पाया है। 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात चेंज हो गए। आप इकोनॉमिकली देख लीजिए, आप टूरिज्म देखिए, आप जितने भी जितने सेक्टर हैं उन सेक्टरों में सारी चेंज आ गई और जम्मू कश्मीर आज अमन और तरक्की की राह पे चल रहा है। और जहां तक महबूबा जी का इल्ज़ाम है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों और बदमाशों की जमात है, मैं महबूबा जी सवाल करना चाहती क्या आप देश के प्रधानमंत्री जो कॉन्शियसली उस पोस्ट पर बैठे हुए हैं क्या उसको आप गुंडा और बदमाश कहते हैं? क्या देश के गृह मंत्री जनाब अमित शाह उसको आप बदमाश और गुंडे की लकब से कह रहे हैं? जहां तक पीएम और होम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है हर एक पार्टी लाइन से उठकर वो देश की के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर है और एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनका रेस्पेक्ट उनका एहतराम हमें करना चाहिए वो किसी भी पोलिटिकल पार्टी के साथ हो। लेकिन लोगों की सहमति और लोगों का जो अप्रोच आज की डेट में है और जो लोगों की एक्सेप्टेंस आज के डेट में है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ और भारतीय जनता पार्टी को लोग लाइक करते और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को लोग समझकर उसको अप्रोच करता और इसी जो पॉपुलरिटी आई रोज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है। जिस तरह से कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्य है वो मजीद मजबूत और फैल रहा है इससे महबूबा जी को परेशानी हो रही है क्योंकि जहां उसकी पार्टी आई रोज सुकड़ती जा रही है उससे लोग भागते हैं कम हो रही है वही भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग रहे इससे महबूबा को फ्रस्ट्रेशन आ रही है और इसको कॉन्स्टिट्यूशनली जिस आर्टिकल को हटाया गया जहां देश के पार्लियामेंट ने उसको हटा गया मैं महबूबा जी ये सवाल करना चाहता हूं क्या जिन 400 से जायद एमपीज ने 370 के खिलाफ वोट दिया क्या वो सारे गुंडे हैं क्या वो बदमाश हैं? क्या आप जो उन लोगों के जज्बातों के साथ जिन लोगों ने उनको वोट देके चुना है और पार्लियामेंट भेजा है क्या सारे देश के वो लोग गुंडे और बदमाश हैं जिनको उन्होंने चुना है? ये महबूबा से मैं सवाल करना चाहता हूं आप किनको गुंडा और बदमाश कह रहे हैं? क्या एमपीज को गुंडा और बदमाश कह रहे हैं? आप देश के मिनिस्टरों को गुंडा बदमाश कह रहे हैं जिन्होंने 370 के खिलाफ वोट दे दिया और अपने जो लोग आपके ये हैं जो मुख्तलिफ जो कस्बों में यहां मुलव्वस है उनको आप शराफत की लासन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले पे गौर करेगी और आने वाले एक दो दिन में जिस तरह से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की है देश के गृहमंत्री की बेइज्जती की और 400 से प्लस जो एमपीज है उनको गुंडा बदमाश के लकब कहते हुए लाहेमल तैयार करेगी। हम इनके खिलाफ डिफेमेशन केस भी करेंगे और आइंदे जो आने वाला लम्हा होगा वो हम देखेंगे इसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जहां तक कोर्ट का ताल्लुक है कोर्ट के फैसले का भारतीय जनता पार्टी एहतराम करती है और ये इंडियन कोर्ट है और किसी भी सूरत में जो यहां की जुडिशरी है वो देश को टूटने नहीं देगी देश में अलगाववाद की भावना उठने नहीं देगी। हमें कोर्ट पे भरोसा है हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए खुद ब खुद फैसला आ जाएगा लेकिन जहां तक मेरा यकीन है मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। लोक जनशक्ति पार्टी ने श्रीनगर से आइंदा म्यूनसिपल काउंसिल इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त का ऐलान किया। एलजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी संजय सराफ ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि उनकी पार्टी काउंसिल की हर सीट पर लड़ेगी। संजय ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए मकामी लोगों की अनथक हिमायत के लिए उनका शुक्रिया अदा भी किया। उन्होंने एलजी से भी अपील की कि वो डाउनटाउन श्रीनगर के बाशिंदों के लिए 200 से 300 बिजली यूनिट की छूट पर गौर करें। बात है कि पार्टी ने आज डिसीजन लिया है कि जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है जेएंडके का उसमें हमने फाइनलाइज किया है कि कुछ कैंडिडेट्स को हम लोगों ने फाइनल किया है काउंसिल इलेक्शंस के लिए।
ऑलरेडी पार्टी हर जगह अपने काउंसिल के कैंडिडेट्स को उठाएगी, चाहे श्रीनगर म्यूनिसपलिटी में हमारे कुछ साथी थे जिसमें हमारे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है अब्दुल हमीद खान साहब, ये बहुत टाइम से पीछे थे, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बॉडी भी साथ में थी कि सब लोग चाहते थे कि हम लोग इलेक्शन के टाइम हम लोग सामने आ जाए, अभी से नाम दे दे, इलेक्शन जब भी होगा काउंसिल का लेकिन ये लोग अपनी तैयारी फुल फ्लेज्ड मूवमेंट से करेंगे और प्रॉपर तरीके से करेंगे। तो जिसमें खान साहब वार्ड नंबर 25 से बटमालियों श्रीनगर से लड़ेंगे, नॉमिनेट किए गए हैं पार्टी की तरफ से। इनके साथ है मिस गोरा जी है वार्ड नंबर 26 से, जो मैडम है मेरे को लगता है लेडीज सीट है वो, तो ये भी वहां से ही लड़ेगी, बटमालियन एरिया ही आ जाता है। मिसेज मुनासिक और इकास भाई यहां पर है जो हाँ पीछे में है मेरे, ये हबाकदल एरिया से है, अभी हम लोगों ने प्रॉपरली वहां पर सेग्रीगेट नहीं किया है कौन किस बसंत बाग से लड़ेगा, मंदर बाग से लड़ेगा, वो तो हम लोग फाइनलाइज लास्ट में करेंगे एज पर देयर चॉइस, क्योंकि जो भी कैंडिडेट्स हमारे हर एरिया में है वो सब जगह ऑलरेडी पार्टी के पास गांधरबल में फुल काउंसिल है, 13 के 13 कैंडिडेट हमारे वहां, आज प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट भी हमारा है, 13 में से 9 हमारे पास है, मागम में भी 13 में से 9 हमारे पास है, सेम वे में श्रीनगर सिटी में भी जो 3-4 कैंडिडेट्स ऑलरेडी जो काउंसलर्स है उनको अभी हम कोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जो नए कैंडिडेट्स है, अब ईदगाह से भी हमारा और एक कैंडिडेट है,